दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का राजस्थान जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी भाषा व बोलियां एवं राजस्थानी लिपि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजस्थानी भाषा व बोलियाँ ये आपके सिलेबस में है या नहीं, तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का राजस्थान जीके का सिलेबस। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें राजस्थानी बोलियां ये आपके सिलेबस में है और इससे इस बार क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म फिल किए जाने लगे हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? आंसर हो जाएगा आपका अबुल फलज ने। अगला क्वेश्चन, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फलज के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है? मारवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश ये सीताराम लालस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में राजस्थानी भाषा का अधूरा वंश वृक्ष दर्शाया गया है, खाली डिब्बे में उपयुक्त विकल्प भरिए। तो इस खाली डिब्बे में आपको विकल्प भरना है। तो देखिए इस डिब्बे में आपका आ जाएगा शौर सैनी प्राकृत। तो इसके बारे में जान लेते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अप्रवस से मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे सौर सैनी प्राकृत के नागर अप्रवस से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा व बोलियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें यह बोला जा रहा है कि राजस्थानी भाषा व बोलियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, उक्त सभी कथन असत्य हैं। ये भी कथन असत्य है, ये भी कथन असत्य है और ये भी कथन असत्य है, यानी युक्त सभी कथन असत्य हैं। दिए गए तीनों कथन असत्य हैं, अतः चौथा कथन सत्य होगा। चौथा कथन आपका सत्य हो जाएगा, उक्त सभी कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो किसने सर्वप्रथम यह प्रयुक्त किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रयुक्त किया था जॉर्ज अब्राहम प्रियशन ने 1912 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा में हुआ है? यह अप्रवस भाषा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? ये मारवाड़ी बोली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहला कथन हमारा है, यह राजस्थान का सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। और दूसरा है, विशुद्ध रूप से यह केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरा है, इसकी उत्पत्ति गुजरी अप्रवर से हुई है। चौथा है, कुबलयामा में इसे मरुभाषा कहा जाता है। अब देखिए कथन में क्या दे रहा है, उक्त कथन राजस्थान की किस भाषा से संबंध रखते हैं? तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, 8वीं सदी आरंभ काल इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बांगड़ी। यह भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन, डुडाढ़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख डॉट 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 की आठ देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी। अगला है, निम्न में से बेमल विकल्प चुनिए, आपको इसमें बेमल विकल्प चुनना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डुंडाड़ी। डुंडाड़ी पूर्वी राजस्थानी को छोड़कर सभी पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो बोली है वो मेवाड़ी को माना जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दुढ़ाई बोली को, ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली अहीर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है? आंसर हो जाएगा अहीर वाटी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। राठ क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे राठ भी कहा जाता है। इस बोली के अन्य नाम हैं हीरवाटी या हीरवाल या हरियाणवी व मेवाती के बीच की बोली है। अगला क्वेश्चन, डुडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी राजस्थानी भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों की इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ ना आने के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए अगर वीडियो पर व्यूज़ आए और वीडियो चले उससे जो अर्निंग होगी उस अर्निंग से ही मैं एक अच्छा इंग्लिश का टीचर करूंगा। इससे आपको ही फायदा होगा, इसलिए हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली ग्रुप में सबको बताएं, जो भी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जितने भी स्टडी ग्रुप में, सभी में शेयर करें। राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट हैं, शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाता है। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और SI और भी भर्ती आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। अगला है, राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियों पर गौर कीजिए। डॉक्टर LP टेस्टोरी ने उक्त बोलियों में किस किस बोली की पश्चिमी राजस्थानी की बोली माना था? ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? उपरोक्त सभी, तो देखिए मारवाड़ी हो जाएगी, मेवाड़ी भी हो जाएगी और बांगड़ी भी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका चौथा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी व शेखावटी। शेखावटी भी इसमें आ जाती है। शेखावटी को मारवाड़ी की उप बोली भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि शेखावटी को किस की बोली कहा जाता है, तो मारवाड़ी की बोली कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बेमल विकल्प चुनिए, इनमें से आपको यह बताना है इसमें से बेमल विकल्प कौन सा है। आंसर हो जाएगा विंदौरी, ये आपका बेमल है। बिंदौरी एक नृत्य को छोड़कर सभी राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन, राजीय राज सोरठा वेली किसने रुक्मणी दी डोला मारवड़ मुमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा केलाव। तो केलाव के बारे में जानते हैं, केलाव की पुस्तक हिंदी ग्रामर में सन 1875 में ये प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आंसर हो जाएगा आपका मेवाती। मेव जाति की बहुलता के कारण अलवर भरतपुर क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, नरपति नलह द्वारा रचित वीसल देव रासो राजस्थानी की किस बोली की प्रमुख रचना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गौड़वाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? आंसर आपको हो जाएगा दूसरा, भरतपुर। अगला है रागड़ी क्या है, रागड़ी क्या है? तो देखिए रागड़ी एक प्रकार की बोली है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मालवा के राजपूतों में प्रचलित यह बोली मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी है। अगला क्वेश्चन, कवि सूरमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, कवि सूरमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? तो ये हाड़ौती भाषा में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु समन्वय का कार्य करती है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु समन्वय का कार्य करती है? तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, मेवाती। अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिंगल। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, खैराड़ी बांसवाड़ा, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा, मेवाड़ी, ये बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन इसका दूसरा हो जाएगा, रागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दक्षिणी राजस्थानी की ने निमाड़ी भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? राजस्थान में हाड़ौती जो बोली है ये किन जिलों में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा, कोटा बूंदी झालावाड़। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, वर्तमान में हाड़ौती कोटा बूंदी इंद्रगढ़ एवं नैनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर बारा किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा तथा झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पहला, मेवाती। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो कि असंगत है? आंसर हो जाएगा आपका पहला, देवड़ा वाटी देवगढ़ क्षेत्र, देवड़ा वाटी सिरोही क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो सभी कथन सत्य हैं। पहला है, भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं। दूसरा है, मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। और तीसरा है, ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुड़िया लिपि। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, मुड़िया लिपि महाजनी या वाड़ियाबट्टी लिपि भी कहलाती है। यह लिपि वाई से दाई ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसे है? मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसे है? आंसर हो जाएगा, राजा टोंडन मल। अगला क्वेश्चन, मुड़िया लिपि के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, पहला है, ये बिना मात्रा वाले शब्द शब्द जोड़कर लिखे जाते हैं। और दूसरा है, इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जा सकता है। ये दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मुड़िया लिपि का प्रयोग किन राज्यों में किया जाता है? उक्त सभी। तो देखिए मुड़िया लिपि का प्रयोग गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान इन राज्यों में
किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आंसर हो जाएगा गुप्त लिपि, इसका जो विकास है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन, कामधारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? तो कामधारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? राजस्थानी भाषा से ये संबंधित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस लिपि का विशुद्ध रूप मुख्य रूप से अदालतों व दफ्तरों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रैंसन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश में बताया है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रैंसन ने राजस्थानी का उद्भव सौर सैनी के नागर अपभ्रंश से बताया है। अगला क्वेश्चन, किस लिपि का विकास सिद्ध मात्रका की कुटिल लिपि से उद्भूत नागरी लिपि से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, देवनागरी लिपि से हुआ है। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्रोतों से देवनागरी लिपि के संकेत प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी, महानाम शिलालेख, और डी है लेख मंडल की प्रास्ती। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में काका कालेकर के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1935। जितने भी ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए एक बार। अगला है, निम्न विशेषताएं किस लिपि से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा आपका पहला, देवनागरी लिपि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस लिपि में सुधार हेतु सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक टाइप तिलक फोर्ट बनवाया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा चौथा, उक्त सभी 1935, 1945, 1947। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग कितनी भाषाओं की लिखित अभियुक्त के लिए किया जा रहा है? यह भी काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 120। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है सुमेलित कीजिए, आंसर मैं क्लियर करता हूं, आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में पातल और पीथल की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़वाड़ी क्या है? गौड़वाड़ी क्या है? तो गौड़वाड़ी मारवाड़ी की ये उपबोली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? किसने किया था? आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? जो राजस्थानी भाषा है ये किससे जुड़ी हुई भाषा है? ये भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई भाषा है। अगला है सुमेलित युग्म है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जयपुर, डूडाड़, जोधपुर, मरु, उदयपुर, मेत, पाट। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर में बोले जाने वाली बोली कहलाती है? तो डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? बांगड़ी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा दूसरा आपका, मालवी वासवाड़ा। देखिए, वासवाड़ा में बांगड़ी बोली प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। तो देखिए, मालवी जो बोली है ये झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है?
राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये मालवी बोली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? किस जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जालौर में। अगला क्वेश्चन, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? बांगड़ी बोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ी और बांगड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? आंसर हो जाएगा उक्त कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है। तो उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, मरुवाड़ी क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मरुवाड़ी क्या? तो देखिए, मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली क्या है? मालवी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? आंसर हो जाएगा पंडित रामकरण आसोपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक रो चूनो लगाड़ों से तात्पर्य है? तो नाक रो चूनो लगाड़ों से तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा किसी की इज्जत के वट्टा लगना लगाना, किसी की इज्जत के वट्टा लगाना। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान के पूर्व मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है? तो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है डुडाड़ी। अगला क्वेश्चन, राबलो तेल पले में ई खटाई से तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा राज का आदेश सर्वोपरि होता है। अगला क्वेश्चन, विजयदान देसा किस भाषा के लेखक हैं? विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थानी। देखिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरीके से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसकी पूरी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको हिंदी के और राजस्थान जीके के सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से युग्म गलत को पहचानिए। आंसर हो जाएगा पाली बांगड़ी। पाली में मारवाड़ी बोली प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा नागर चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में और जान लीजिए, नागर चोल जो होता है डुडाई बोली की उपबोली है। नागर चोल डुडाई बोली की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, गौड़वाली बोली का क्षेत्र है? गौड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। तो देखिए, सिरोही जालौर तथा पाली जिले के पश्चिमी भाग को गौड़वाड़ तथा यहाँ की बोली की गौड़वाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ये होता है जोधपुर और उसके समवर्ती क्षेत्रों में। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को मारवाड़ी कहा जाता है। इसे ही राजस्थानी भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यता नहीं बोली जाती है? किस जिले में मेवाड़ी सामान्यता नहीं बोली जाती है? ये पाली में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यकार रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है? वो है डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल दासी एवं चरण दासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मेवाती। अगला क्वेश्चन, जोधराज का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? किस बोली में की गई है? ये की गई है अहिरवाटी में की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी डुंडाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा
खैरावी। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? आंसर हो जाएगा टोंक।